हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 30 सितंबर को यानी कि 30 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। उसका पोस्ट स्पेसिफिक एग्जाम यानी कि पोस्ट स्पेसिफिक जो विषय संबंधी पर्सन थे, साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हर एक का आंसर की क्या रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यह कहते हैं कि गणित में सत्य को डैश के साथ स्थापित किया जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों तर्क। गणित में सत्य को तर्क के साथ स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मैथमेटिकल डिस्कवरी पुस्तक के लेखक हैं। तो मैथमेटिक डिस्कवरी पुस्तक है वो, उनके लेखक कौन है, वो किसने लिखी है? इसका आंसर है जॉर्ज पोलिया, बी। नेक्स्ट, गणित का अध्ययन तार्किक और डैश विचार योग्यताएं विकसित करने का एक माध्यम है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों गुणात्मक। गुणात्मक एक माध्यम है, ना कि मात्रात्मक। ये मात्रात्मक यहाँ पर गलत टिक किया गया है। नेक्स्ट 104, डैश विचार समस्या समाधान और समस्या रोकने से बना है। इसका आंसर रहेगा दोस्तों विश्लेषणात्मक विचारण, यानी कि विश्लेषणात्मक विचारण विचार समस्या समाधान और समस्याएं रोकने से बना है। अगला क्वेश्चन 105, निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक सुविधा राज्य स्कूलों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती? तो राज्य स्कूल क्या नहीं करवाते, कमरे का आकार वो करवाते हैं, पेयजल भी, बैठने की व्यवस्था भी, स्मार्ट बोर्ड नहीं करवाते हैं। स्मार्ट बोर्ड का आंसर रहेगा यहाँ पर डी। कमरे का आकार, पेयजल, बैठने की सुविधा वो उपलब्ध करवाते हैं, स्मार्ट बोर्ड को प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश चंडीगढ़ की राजभाषा है। तो चंडीगढ़ की राजभाषा दोस्तों अंग्रेजी है, बी। नेक्स्ट, उपकरण के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़े प्रकृति में मात्रात्मक होते हैं और तदनुसार विश्लेषित होते हैं, वह डैश कहलाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों आंकड़ा विश्लेषण। आपका जो डाटा एनालिसिस है, आंकड़ा विश्लेषण उपकरण के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़े को प्रकृति में मात्रात्मक होते हैं और वे तदनुसार विश्लेषित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक संप्रेषण का यंत्र अथवा उपकरण है जो विशिष्ट पैटर्न और प्रणालियों के अनुरूप होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा भाषा। भाषा एक संप्रेषण का यंत्र अथवा उपकरण है जो विशिष्ट पैटर्न और प्रणालियों के अनुरूप होती है। नेक्स्ट देखते हैं 109, SEN का विस्तार रूप है। SEN का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा यहाँ पे रहेगा आपका सी, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। नेक्स्ट है, पाई का परिमेय लगभग क्या है? तो पाई का परिमेय क्या होता है, पाई का परिमेय होता है 3.1412। तो 2 को हटाएंगे, राउंड ऑफ करके यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.142। तो इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड के लिए विद्यार्थियों के परीक्षण हेतु एक नोडल केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये आंसर है यहाँ पर HBCSC। HBCSC को अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड के लिए विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु एक नोडल केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट, डार्विन्स डेंजरस आइडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इनकी डार्विन्स डेंजरस आइडिया पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो ये लिखी है डेनियल डेनेट ने। तो आंसर रहेगा आपका ए। नेक्स्ट, प्राकृतिक परिघटना तक सीमित सामान्य प्रयोग में एकत्रित और प्रणालीगत अध्ययन डैश कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर विज्ञान। विज्ञान प्राकृतिक परिघटना तक सीमित सामान्य प्रयोग के लिए एकत्रित व प्रणालीगत अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, विज्ञान की विषय सामग्री किसी को डैश कौशल विकसित करने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ए, विश्लेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक क्रिया अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर है स्कूलों की कार्यात्मक स्थिति को सुधारना, ये एक क्रिया अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी द्विभाषी विधि का एक सिद्धांत नहीं है? तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये वाले क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम में आया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विभाषीय विधि का एक सिद्धांत नहीं है, और इंग्लिश में ये नहीं था। तो अगर ये है तो इसका आंसर रहेगा बी, और अगर यहाँ पे नहीं ही आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर रहेगा सी। नहीं के लिए कौन सा द्विभाषी विधि का एक सिद्धांत नहीं है, यह केवल प्रत्यक्ष विधि है। तो ये हिंदी मीडियम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा सी, और इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है बी। अब देखते हैं नेक्स्ट 117,
एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है वह डैश कहलाती है। तो यह है हमारी मातृभाषा, वह भाषा जो हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है वो क्या है, हमारी मदर टंग यानी कि मातृभाषा। अगला है सीसीई का विस्तार रूप क्या है, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव एजुकेशन, ए इसका आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है डैश आयु के बालक के लिए पाठ्यक्रम एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए और भाषा सिखाने पर जोर देने वाला होना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो जो माना जाता है आयु वो मानी जाती है कि 3-4 साल से अधिक के बच्चे को, आयु के बच्चे को, बालक के लिए पाठ्यक्रम एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए और भाषा सिखाने पर जोर देना चाहिए, मतलब जितने ज्यादा लोग होंगे उनको इतना ज्यादा वो जल्दी सीखते हैं। तो यहाँ पे है आंसर 3-4 यानी कि ए। नेक्स्ट है बोलने और लिखने पर जोर निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाना चाहिए, बोलने और लिखने पर जोर किसके लिए दिया जाना चाहिए, प्रथम भाषा पर, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज पर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट वह व्यक्ति जिसने संकल्पना और संरचना के 3 स्तर पहचाने और उन्हें प्रस्ताव, विधि और तकनीक के क्रम में लाया वह कौन थे, तो इसका आंसर यहाँ पे है एडवर्ड एंटोनी थे वो, आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट विद्यार्थी द्वितीय भाषा में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट और जुड़कर लिखने में डैश से पहले सक्षम होने चाहिए, तो किससे पहले सक्षम होने चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर से पहले वो अपना द्वितीय भाषा में भी लिखने में दृष्टिकोण देने में समर्थ होने चाहिए। नेक्स्ट विज्ञान के इतिहास में प्रथम बार किसने अपनी दूरबीन आकाश की ओर उठाई और चौंकाने वाली खोज की, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि दूरबीन की खोज किसने की, तो ये गैलीलियो गैलीली, तो इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 शिक्षण द्वारा उपलब्ध कराया गया अनुभव बालक के मस्तिष्क पर प्रभाव बनाता है, यह शिक्षण का प्रभाव मॉडल डैश द्वारा विकसित किया जाता है, इसका आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सी, जॉन लॉके। अगला है शिक्षण का एक अनौपचारिक मॉडल डैश द्वारा डिजाइन किया गया, तो इसका आंसर क्या रहेगा सी, एन ए प्लेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन वह सामाजिक मनोवैज्ञानिक जिसने जिग्सा गतिविधि डिजाइन की, तो इसका आंसर यहां पे रहेगा दोस्तों बी, इलियट एरोनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 निम्नलिखित में से एक कक्षा में भौगोलिक पर्यवेक्षण की एक सहायक सामग्री नहीं है, तो आपको अगर ज्योग्राफी समझानी है किसी को तो आप किसके थ्रू समझाते हैं, ग्लोब्स के थ्रू, तो ग्लोब्स आंसर नहीं हो सकता, चार्ट के थ्रू भी आप समझा सकते हैं, मॉडल के अकॉर्डिंग भी आप समझा सकते हैं, लेकिन आप किसी को नेचुरल डिस्कवरी करके यानी कि प्राकृतिक खोज करके आप नहीं समझा सकते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे रहेगा बी। नेक्स्ट निजी विद्युत यंत्रों का प्रयोग करते हुए सामाजिक और सामग्री अन्योन क्रियाओं के माध्यम से बहु सामग्री का अध्ययन डैश कहलाता है, तो इसने बोला है तो विद्युत यंत्र होता तो आंसर क्या होता हमारा ई अध्ययन, लेकिन उसके साथ बोला निजी, तो निजी आजकल हम क्या रखते हैं लैपटॉप से या उसके जरा हम क्या रखते हैं आजकल एम अध्ययन, तो आप जैसे फेसबुक पे चलाते तो उस पर आता है m.facebook.com, तो मोबाइल यानी कि एम अध्ययन होगा, इसका आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट गणित में लेखन को शामिल करने की एक रणनीति है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, परीक्षा और प्रशिक्षण प्रारूप से परिचित होना, लिखने से पहले विद्यार्थियों द्वारा उनके विचारों पर चर्चा करना या अर्थपूर्ण प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध करवाना, इसका आंसर रहेगा डी, अर्थपूर्ण प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना, तो ये आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 130 अंग्रेजी बोलने की ध्वनियों के अंतर्गत कितनी नासिका से बोली जाती है, तो इसका आंसर रहेगा दो ही नासिका से बोली जाती है और वो क्या है एम और एन, तो ये दो ही हैं जो नासिका से बोली जाती हैं। नेक्स्ट डैश एक संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व आता है, तो इसका आंसर रहेगा ए, पूर्व सर्ग, एक संज्ञा और सर्वनाम से पूर्व आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चयात्मक शब्द नहीं है, तो जो विशेषण है एडजेक्टिव है वो एक निश्चयात्मक शब्द नहीं है। नेक्स्ट किसने शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की वकालत की, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे जॉन देवे थे जिन्होंने शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की वकालत की। नेक्स्ट है गैर औपचारिक यानी कि नॉन फॉर्मल शिक्षा के मामले में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है,
तो आंसर है यह प्रशिक्षण उन्मुख है, यानी कि आपका जो औपचारिक है, आप जो फॉर्मल सीखते हो उसके लिए तो आपको टेस्ट वेस्ट देना पड़ता है, उसको तो प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, परीक्षा से। लेकिन नॉन फॉर्मल हम अपने घर में मदर टंग सीखते हैं तो उसके लिए हमें कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती है, तो वो ये एक परीक्षण उन्मुख है। नेक्स्ट है, शिक्षा के सिरे शिक्षा के डैश के आधार पर निर्धारित होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे लक्ष्य डी, शिक्षा के सिरे शिक्षा के लक्ष्य के आधार पर निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में स्कूली प्रणाली वैदिक काल में प्रणाली के रूप में आरंभ हुआ, तो जो पहले स्कूल होते थे वो कहाँ होते थे, गुरुकुल में, तो बी आंसर रहेगा इसका, गुरुकुल होते थे उस टाइम पे, स्कूल नहीं होते थे। इस कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध वास्तविक आंदोलन डैश के नेतृत्व में आरंभ हुआ, तो इसका आंसर यहाँ पे रहेगा जे रूसो, यानी कि ए इसका आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं 138, इतिहास सामग्री प्राथमिक रूप से भारतीय इतिहास पर डैश में केंद्रित होती है, तो जो इतिहास है आपने देखा होगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या बोला जाता है, 6 से 8 की, 6 से 10 की, यही पढ़ते हैं आप एनसीईआरटीज, तो एनसीईआरटीज जो हिस्ट्री की है वो कहाँ से, 6 से लगी है, उससे पहले कुछ नहीं होता, उससे पहले ऐसी कोई बुक नहीं होती जो इतिहास का पूरा आपको बताए, तो उससे पहले ईवीएस की बुक्स होती है एनवायरमेंटल स्टडीज की, जो आसपास के बारे में कुछ बताती है बच्चों को, लेकिन 6 क्लास से प्रॉपर हिस्ट्री का सब्जेक्ट आ जाता है, तो 138 का आंसर रहेगा सी। डैश का शिक्षण अध्येताओं में नैतिक मूल्यों का विकास करता है, 139 इसका है सामाजिक अध्ययन, जो हमारी सोशल स्टडीज है वो उसका शिक्षण अध्येताओं में नैतिक मूल्यों में विकास करता है। नेक्स्ट, स्थानिक विश्लेषण पर एक भौगोलिक वितरण और पैटर्न में डैश के बीच संबंध देखता है, इसका आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सी, एरिया क्षेत्र। नेक्स्ट है, डैश भूरूप उनके विकास और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन को समर्पित है, तो ये आंसर रहेगा इसका भूभौतिक विज्ञान। नेक्स्ट, शिक्षण एक प्रक्रिया होने के नाते उसकी पहले आयोजना की जानी चाहिए और बाद में डैश किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा निष्पादित बी। डैश एक प्रक्रिया के माध्यम से रचित होना चाहिए और जिस अनुभव का एक विनिमय शामिल है और एक आवक बहुल भाषा मित्रवत वातावरण में दूसरों को दिखाना शामिल है, तो इसका आंसर रहेगा सी, नॉलेज ज्ञान। नेक्स्ट, डैश एक अवधि अंत पाठ्यक्रम अंत मूल्यांकन है जो प्रकृति से निर्धारक है, तो वो रचनात्मक भी है, योगात्मक भी है, या फिर उपराचनात्मक मूल्यांकन है, या फिर डी है इसका आंसर, ए और बी दोनों, तो यहाँ इसका आंसर रहेगा दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट, अंग्रेजी में 26 अक्षर सुनने और बोलने के लिए डैश ध्वनियों को संकेतित करते हैं, तो आपको जो 26 अक्षर है ए टू जेड है उनको सुनने और बोलने के लिए कितनी ध्वनियों को संकेतित करते हैं, तो उससे आप 24 साउंड्स निकाल सकते हैं, तो आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट 146, संविधान के अनुच्छेद डैश और डैश प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और सांस्कृतिक का विकास का मौलिक अधिकार देते हैं, तो जो हमारा सांस्कृतिक विकास है वो हमारा 30 में और शिक्षा हमारा वो है हमारा 29 में, तो इसका आंसर रहेगा बी 29 और 30। नेक्स्ट, शिक्षा पर किस राष्ट्रीय नीति की मंशा 21वीं सदी के लिए भारत को तैयार करने की है, तो ये जो आंसर है वो स्ट्रेट है एनपीई 1986। नेक्स्ट, असम में प्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया है, तो इसका आंसर है 1926। नेक्स्ट है, सॉरी एक सेकेंड, हम हैं 149 पर। शिक्षण अध्ययन का उद्दीपन मार्गदर्शन और प्रोत्साहन है, यह परिभाषा डैश के द्वारा दी गई थी, तो यह परिभाषा दी थी बर्टन ने, इसका आंसर रहेगा बी। अब देखते हैं 150, निम्नलिखित में से कौन से चरण गतिविधि आधारित अध्ययन के अभ्यास हेतु प्रयुक्त नहीं होते, तो इसका आंसर है दोस्तों दोहराई डी रहेगा इसका आंसर। एक पर्यावरण अध्ययन गतिविधि एक बालक के डैश विकास में संलग्न होती है, तो वो शारीरिक में भी होती है प्राकृतिक और पर्यावरण अध्ययन और मनोवैज्ञानिक में भी, तो इसका आंसर रहेगा सी, ए और बी दोनों। वे बच्चे जिन्हें सोचने और अभिव्यक्ति की मानसिक गतिविधियां करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होते, वे अक्सर क्या करते हैं, जिनको सोचने और अभिव्यक्ति की मानसिक गतिविधियां करने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते वो क्या करते हैं, प्रबल तो हो ही नहीं सकते, ठीक है,
ये वाला तो कट गया। अकेले अकेले हो सकते हैं बट कुछ ना कुछ तो क्रिया करेंगे ना, तो अकारात्मक हो सकते हैं या फिर शर्मीले हो सकते हैं। तो अकारात्मक कुछ लोग होते हैं और शर्मीले, मतलब शर्मीले तो होंगे ही होंगे, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए रहेगा। नेक्स्ट, जी जैकोब्स के अनुसार सामूहिक गतिविधियों का मूल्य बढ़ाने के लिए संकल्पनाएं और तकनीकें डैश कहलाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर बी, सहकारी अध्ययन। अब नेक्स्ट चलते हैं 154। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे बच्चों की वृद्धि के लिए एक विकासात्मक डोमेन नहीं है? मनोवैज्ञानिक डोमेन, शारीरिक डोमेन, जैविक डोमेन या संज्ञानात्मक डोमेन? तो इसका आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों ए, मनोवैज्ञानिक डोमेन। छोटे बच्चों की वृद्धि के लिए, जो छोटे बच्चे तो शारीरिक, संज्ञानात्मक और जैविक करते हैं, छोटे होते हैं उनके मनोवैज्ञानिक डोमेन भी, तो आंसर यहाँ पर ए रहेगा। अगला है, 2 से 8 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में प्रेरक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और डैश शामिल होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ए, अनुकूलन कौशल। नेक्स्ट, जब बच्चे आयोजना में शामिल होते हैं तो यह डैश छोटे बच्चों की विविध अध्ययन शैलियों और उनके व्यक्तित्व अंतरों के लिए डैश को मदद करता है, तो इसका आंसर रहेगा शिक्षक, टीचर मदद करता है। नेक्स्ट, छोटे बच्चों के लिए एक कार्य के लिए डैश मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते, तो छोटे बच्चे सबको पता है भाई ज्यादा बैठ नहीं सकते, तो क्या रहेगा इसका आंसर, 2 से 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते वो, आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, विषय मेरा परिवार से संबंधित क्रियाएं और अनुभव छोटे बच्चों में क्या डैश बढ़ावा देंगे, क्या देंगे बढ़ावा, मेरा परिवार जैसे हम एक्टिविटीज करवाते हैं तो उससे क्या रहेगा उसको, सामाजिक जागरूकता फैलेगी उसमें। नेक्स्ट, डैश एक प्रकार का भाषण है जिसमें शिक्षक एक घटना या सामग्री पर व्याख्यान देता है, तो क्या है इसका आंसर रहेगा बी, कथन। कथन एक प्रकार का भाषण होता है जिसमें शिक्षक जो है वो घटना या सामग्री पर एक व्याख्यान देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक अध्ययन यंत्र नहीं है, तो गृह कार्य से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, समूह कार्य से भी आपको सीखने को मिलता है, समीक्षा कार्य से भी आपको सीखने को मिलता है, लेकिन डी, डी निगरानी करने, आप निगरानी किसी पे करेंगे तो उसका ध्यान, आपका ध्यान क्या रहेगा, निगरानी पे रहेगा, वो क्या कर रहा है, क्या चीज कर रहा है, वो आपका सीखने पे ध्यान नहीं रहेगा, तो सबसे कम जो आपको सीखने को मिलेगा वो मिलेगा डी से, यानी कि निगरानी कार्य, तो इसका आंसर यहाँ पर रहेगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेद में शामिल नहीं है, तो आयुर्वेद में कौन सा शामिल नहीं है, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक जो है वो आयुर्वेद में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, 162 पे चलते हैं, संयुक्त प्रयास को बाकी कक्षा के साथ साझा करना एक अध्ययन अभ्यास है जो बच्चों को डैश करता है, तो इसका आंसर रहेगा प्रोत्साहित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन, एक सेकेंड है, 163, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन एक सिद्धांत नहीं है, तो इसका आंसर यहाँ पे रहेगा सी, व्युत्क्रमणीय का विकास करना। नेक्स्ट, भावनाएं प्रभावी रूप से डैश के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती हैं, तो जो भावनाएं की जाती हैं वो किससे की जाती हैं, ग्राफिक कला से, यानी कि बी रहेगा आंसर। नेक्स्ट है, डैश का सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 का और पर्यावरण अध्याय पाठ्यक्रम का आधार है, तो इसका आंसर रहेगा बी, सामाजिक संरचनावादी। नेक्स्ट, 166 देखते हैं, अनुशासनात्मक संदर्भ में डैश को प्रबंधन तकनीक से संदर्भित किया गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों 166 का सी, आयोजन आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, भाषाविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर है यहाँ पर ध्वनि प्रणाली और वाक्य। नेक्स्ट है, एक बालक डैश की आयु में अपनी भाषा विकसित करता है जो एक भाषा के उपयुक्त शब्दों और व्याकरण के सही नियमों से मिलती है, तो जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा है कि इसका आंसर डीएसएस भी ही डिसाइड करेगा, हम यहाँ पर 5 वर्ष ले सकते हैं क्योंकि 3 वर्ष के बाद बच्चा अपनी भाषा के उपयुक्त शब्दों और व्याकरण के सही नियमों से मिलती है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो एग्जैक्ट क्या है वो डीएसएस भी आपको देगा, तो जब आपके आंसर की आएगी वो आप ये तब चेक कर सकते हैं। 169, कितनी भाषाओं में 3 से कम स्वर है, तो ऐसा तो कोई नहीं है जिसमें 3 से ज्यादा कम स्वर हो, ए आई ई ओ यू, इंग्लिश में भी आपके 5 है, तो आंसर आएगा कोई भाषा नहीं, ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 177, गैसों का व्यवहार किसने खोजा, तो गैसों का व्यवहार किसने खोजा, रॉबर्ट बॉयल ने।
निम्नलिखित में से एक भारत में शहरी जीवन की समस्याओं का एक मुख्य कारण है, तो क्या है मुख्य कारण? शिक्षा तो हो नहीं सकती, शहर में शिक्षा अच्छी मिलती है, गरीबी गरीबी है, लेकिन आपके पास व्यवसाय के जो है रोजगार के साधन ज्यादा हैं, तो वो आप भी आप दूर कर सकते हैं, कृषि आप कर सकते हैं। तो आंसर रहेगा यहाँ पे पर्यवसन, यानी कि जब गांव से या किसी दूसरे शहर से आपके शहर में आकर लोग बस रहे हैं, तो उसके कारण रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, तो पर्यवसन जो है वो शहरी जीवन में समस्याओं का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, देश राष्ट्रीय वफादारी का भाव मन में बैठाती है और तकनीकी नवाचार के लिए आवश्यक कौशल और प्रवृत्ति का निर्माण करती है। तो इसका आंसर रहेगा टीम वर्क, यानी कि टीम कार्य, टीम वर्क जब आप करेंगे तो आप में वफादारी की भावना आती है। नेक्स्ट, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की संकल्पनाएं डैश द्वारा विकसित की गई। तो इसका आंसर है CMN श्रीनिवास द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 174, निम्नलिखित में से एक सामाजिक विकास का रूपरेखा बनाने में शामिल नहीं है। तो आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों डी, सौंपना। अगर आप किसी भी चीज की रूपरेखा बनाते हैं तो प्रशासन चलाना, नीति का आयोजन करना, प्रोग्रामिंग, सारी चीजें होती हैं, लेकिन सौंपना नहीं होता है। प्रशासन चलाना जरूरी है, नीति की आयोजना, कोई भी आपको ब्लूप्रिंट आपको तैयार करना, आपके प्लानिंग करना, प्रोग्रामिंग यानी कि आप उसको फिर एग्जीक्यूट करोगे, तो ये सारी चीजें शामिल हैं। लेकिन सौंपना, अभी मैं कुछ काम बोलूं और मैं बोल दूं कि यार ये काम तो आपको करना है, तो मैंने आपको सौंप दिया है, तो वो एक सामाजिक विकास का रूपरेखा बनाने में शामिल नहीं है, सौंपना कुछ शामिल नहीं है, तो डी आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से एक दृष्टांत का प्रकार नहीं है, डैश जो है इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे बी, मौखिक दृष्टांत जो है वो एक दृष्टांत का प्रकार नहीं है। 176, एक व्यवसायिक कौशल सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है क्या है? इसका आंसर प्रदर्शन विधि बी। स्कूली विषयों में सर्वाधिक जोर डैश सिखाने से जुड़ा है, तो सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा हम जो सिखाते हैं वो मैथ, ज्यादातर देखना जो मैथ के पीरियड है वो फर्स्ट सेकेंड ऐसे लगाए जाते हैं, तो मैथ पे जोर होता है सी। नेक्स्ट देखते हैं, यह निश्चित है कि भाषा डैश में बहुत गहरे बैठी हुई है। भाषा किस में गहरे बैठी? समाज में, लोगों में, उपयुक्त में से कोई नहीं है, मानव मस्तिष्क में। तो इसका आंसर आएगा मानव मस्तिष्क में भाषा जो है वो गहरी बैठी हुई है। नेक्स्ट है, भारत जैसे एक देश में लगभग प्रत्येक डैश पर भाषा परिवर्तित होती रहती है। तो आपको पता है कि भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और वो कितने फ्रीक्वेंसी पर चेंज होती रहती हैं, तो वो आपकी यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर पर चेंज नहीं होती, आंसर यहाँ पे है 15 से 20 किलोमीटर पर चेंज होती है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में अप्रोक्सीमेट 1650 भाषा बोली जाती हैं, तो आंसर रहेगा सी, यानी कि 1600 प्लस 1650 के अराउंड भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक भाषा परिवार नहीं है? तो ऑस्ट्रो एशियन भाषा है, तिब्बतो बर्मन भाषा है, द्राविडियन भाषा है, बट जाट, जाट इज नॉट ए भाषा, जाट इज ए कम्युनिटी, एक जाति है, भाषा नहीं है। देखते हैं 182, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजभाषा है। तो हिंदी भारत की राजभाषा, ये कौन से संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ये लिखा गया 343 में। नेक्स्ट, संस्कृत को किस वर्ष एक शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? तो संस्कृत को 2005 में एक शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। भाषा वह माध्यम भी बन जाती है जिसमें विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है और इस प्रकार डैश के रूप में चिन्हित होती है। तो इसका आंसर रहेगा सी, मानक भाषा, स्टैंडर्ड भाषा बन जाती है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ब्लर है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, मुझे एग्जाम जो पेपर है वो यही मिला, तो इससे अलावा मिल नहीं पाया, तो इससे मैं सारे क्वेश्चन रीड कर दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आए हैं। डैश के ने विचारण की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच में एक निकट संबंध स्थापित किया है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ए, अनुसंधान। बाकी ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है ताकि आपको पता रहे। बी प्रशिक्षण है, सी समीकरण है, डी प्रदर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, जब एक बालक समझी हुई वस्तु को आत्मसात करने का प्रयास करते समय दो प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है तो डैश होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे है दोस्तों डी, संतुलन। नेक्स्ट है, एक बालक की संज्ञानात्मक विकास अवधि में ठोस परिचालन अवधि होती है, क्या होती है एक बालक की संज्ञानात्मक विकास अवधि में? तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को एक दर्शक और स्मरण योग्य उद्दीपक से सूचना प्राप्त करने में सहायता करता है, डैश कहलाता है वो क्या कहलाता है? दृष्टांत बी। नेक्स्ट है,
संख्या संकल्पनाओं के प्रभावी अध्ययन हेतु बच्चों को कुछ प्रारंभिक संकल्पनाएं ग्रहण करने की आवश्यकताएं होती हैं, वो डैश कहलाती हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर रहेगा संख्या संकल्पनाएं, ए रहेगा। नेक्स्ट, डैश गणित अध्ययन प्रक्रिया के आवश्यक भाग के रूप में स्वीकृत है। तो इसका आंसर है दोस्तों त्रुटियां, क्योंकि मैथ का बोलते हो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। तो संख्याएं आप कितनी भी रट लो नहीं आएगा, परिकलन आप आंकड़ा कितना भी रख लो नहीं आएगा, परिकल्पनाएं से भी नहीं आएगा। तो त्रुटियां यानी कि आप जितना मिस्टेक करोगे उतना ही आप गणित में महारत हासिल करोगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक अनुभव नहीं है जो बच्चे गणित के साथ अनुभव करते हैं। तो इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं है, प्रतिकूल विद्यालय वातावरण, सकारात्मक आदर्शों का अभाव, लैंगिक रूढ़िवादी। तो इसमें से जो ऑप्शन रहेगा जिसमें पूछा है वो डी आएगा। बच्चों की सोच समझ और डैश की प्रक्रिया के साथ शुरू होती है। बच्चों की सोच समझ किसके साथ शुरू होती है, बच्चों की सोच समझ भावनाओं के साथ भी शुरू होती है। तो आंसर रहेगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट 193। पियाजे के अनुसार नवजात अपने पर्यावरण के साथ संपूर्णतः डैश व्यवहारों के माध्यम से अन्योन क्रियाएं करते हैं। तो किसके अकॉर्डिंग सीखते हैं बच्चे, बच्चे नकल से सीखते हैं। जैसा आप नकल करोगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। 94। आरंभिक कल्पनात्मक भय डैश की आयु तक गायब हो जाते हैं। जो आरंभिक कल्पनात्मक भय है वो कहां तक गायब हो जाते हैं, 12 वर्ष तक मानी गई है ये आयु, यानी कि 12 वर्ष तक जो भी आपने अपनी कल्पनाएं बना रखी है भय की वो गायब हो जाती है। ठीक है, डैश का उद्देश्य बालक के संसाधनों को एकत्रित करना और नई स्थिति को पूरा करने के लिए गतिविधि के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराना है। तो क्या आप कोई भी काम कैसे किस तरीके से कर सकते हो, नई स्थिति को पूरा करने के लिए गतिविधि ऊर्जा कहाँ से आएगी, जब आपको कोई मोटिवेट करेगा तो मोटिवेशनल यानी कि प्रेरणा से आएगी। नेक्स्ट, डैश और पर्यावरण का ज्ञान सभी प्रकार के बालकों को संभालने के लिए एक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आनुवांशिक होगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति या फिर संस्कृति। तो इसका आंसर रहेगा आनुवांशिक, ए। नेक्स्ट, डैश तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में कार्मिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों बी, विकास जब होता है जब परिपक्वता अनुभव के कारण मनुष्य में कार्मिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है, विकास की दिशा डैश है। तो सिप्लोकोडल यानी कि ऊपर से नीचे और प्रैक्सिमा डिस्टल यानी कि नीचे से ऊपर, दोनों ही है। आंसर रहेगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, वृद्धि और विकास का एक आंतरिक कारक इनमें से कौन सा नहीं है। तो वृद्धि और विकास कैसे हो गई, अनुवांशिक आपकी हेरिडिटी पर भी होता है। जैसे आपके पेरेंट्स होंगे आपको उसी प्रकार का बुद्धि और आपका उसी प्रकार का विकास होगा। आपके पेरेंट्स लंबे होंगे तो आप भी लंबे होंगे। सामाजिक प्रकृति भी होता है, माता के गर्भ में भी पर्यावरण बोला जाता है कि ये ऐसा खाए, ऐसा खाए, पिए नहीं, ये सब करें, तो पर्यावरण भी देखा जाता है। सामाजिक प्रकृति भी पड़ता है प्रभाव, और बी यानी कि बुद्धिमता, या इसका आंसर रहेगा सॉरी यहाँ पर सी रहेगा। बुद्धिमता का भी आपका फर्क पड़ता है, अगर आपके पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो आप भी इंटेलिजेंट होगे। आंसर रहेगा सी, सामाजिक प्रकृति। नेक्स्ट है, एक शिशु का रेंगने वाला मील का पत्थर माँ की आयु के दौरान होता है। तो जो बच्चा है वो घुटनों के बल कब चलना शुरू हो जाता है, जब वो 7 से 10 माह के बीच में होगा। तो दोस्तों ये आज का पूरा पेपर था जो हमने पूरा आंसर देखे हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे कैसे है। तो कुछ क्वेश्चन इसमें बिल्कुल सिंपल है जो सिर्फ आपको लैंग्वेज समझनी थी, कि जैसे एक आपका गैलीलियो का क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ आपको लैंग्वेज समझनी थी कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। इसमें जो लैंग्वेज है वो बस घुमा फिरा के दी गई है क्वेश्चंस की, अदरवाइज क्वेश्चंस आसान थे। अगर आप जिन भी बच्चों ने स्टडी पोर्टल से बुक ली थी साइकोलॉजी सी और उन्होंने वो बुक अच्छे से कंप्लीट पढ़ी होगी तो वो इसमें से मोस्टली क्वेश्चन करके आए होंगे, वो भी बिल्कुल करेक्ट। तो उसमें हमने सारी चीजें दे रखी हैं, आपकी थ्योरीज भी, आपकी चीजें जो भी आपकी है, लर्न एंड डेवलपमेंट है, ग्रोथ के बारे में है, स्टूडेंट्स के बारे में है, तो उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप भी वो बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर, या आप नंबर स्टडी पोर्टल है डॉक्टर विजय के नाम से सेव कर सकते हैं। तो एग्जाम की तैयारी करते ही ऑल द बेस्ट, थैंक यू।